सो यो और यूट्यूब वेलकम बैक टू चैनल एंड आज हम करने वाले फिर से एक तड़कती भड़कती धमाकेदार वीडियो। आज हम करने वाले बिग यूट्यूबर्स गिव मी डेयर और आज के डेयर है लिटरली क्रेजीएस्ट डेयर स्टिल डे बट Let's start with the normal one, जो मेरे को दिया है प्रेरणा दीदी ने wonders about इन्होंने बोला है मुझे be a भेलपुरी guy on road, भेलपुरी guy on road। अब मुझे मतलब जाके रोडों पे भेलपुरी बेचनी है, मुझे लग रहा था ये आसान है बट नहीं, तो लेट्स गो करते हैं। ओके तो आज हमें बनना भेलपुरी वाला, तो भैया ऐसा करो तो तीन चार प्लेट भेलपुरी लगा दो, चार प्लेट लगा दो, बनवा लेते हैं, बनानी खुदनी है फिर बेच लेंगे। भैया भेलपुरी का ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है फ्री में बेचनी पड़ेगी तभी बेच पाएंगे, देख तो बेचते हैं। बनाओ भैया जल्दी बनाओ, 40 का प्लेट, 40 का प्लेट है भैया भेलपुरी, भेलपुरी लो हमारी तरफ से खा लो यार, ये एक एक बेच दी, पांच बेचनी है, खाओगे या 40 का प्लेट? अच्छा ऐसे खा लो, चना मसाला खाओ, ऐसे खा लेंगे भैया, देखो चलो किसी को बेच के आते हैं। भैया आपने खा ली भेलपुरी, खाओगे? चार हो गए, तीन हो गए, तीन तीन यार, एक मैं अपने आप को खिलाना चाहता हूँ, भेलपुरी वाला तो मैं बन ही चुका हूँ। भेलपुरी ले लो, भेलपुरी ले लो भैया, भेलपुरी खाओगे? भेलपुरी ले लो, 40 रुपये प्लेट, ऐसे नहीं दोगे क्या भैया? चाहिए ही नहीं यार कोई भेलपुरी, अंकल जी भेलपुरी ले लो, ले लो। ओके तो पांच भेलपुरी हमने बेच दी फ्री में, बट पैसे तो दिए नहीं, पैसे दे देते हैं, पीछे आ जाइए। स्वाद है? स्वाद बहुत बढ़िया, अरे मजा आ गया, सबको मजे दिलवा दिया हमने। कितनों के भैया? 200 लो भैया, कोई डिस्काउंट? ओके वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट ईयर, यहां से चलते हैं नेक्स्ट पे, लेट्स गो। ओके तो भेलपुरी वाला बन के तो मजा आ गया लिटरली, मैंने नोटिस करा जिस जिसको फ्री में दे रहा था वो सब ले रहा था, जिनको बोलो पैसे ले लो तो कोई भी नहीं ले रहा था, फ्री मुफ्त की रोटी पालते हैं सब, ये गलत बात है भाई, मेरी जेब से पैसे लग जाते हैं। बट नेक्स्ट ईयर है हमारे लिए एक फिजिकल चैलेंज वाला डेयर, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट ईयर दिया है एल्विश यादव ने और एल्विश भाई ने मेरे को बोला है डू अ पुशअप चैलेंज विद अ रैंडम स्ट्रेंजर ऑन रोड एंड इफ ही विंस गिव हिम मनी। ओके तो नेक्स्ट डेयर हमारा है कि हम करने वाले पुशअप चैलेंज, वो भी एक कंप्लीट स्ट्रेंजर के साथ, तो पहले स्ट्रेंजर ढूंढते हैं और जो हारेगा, अगर मैं हारा तो मैं उसको 500 रुपए दूंगा भाई, जो जो जीते 500 रुपए का, इससे मेरे से मेरे थोड़ा बैक प्रॉब्लम है, 10-12 मार रहा हूँ, हट्टे कट्टे लग रहे हो, हट्टा कट्टा ऊपर इतने ही लग पाएंगे भाई, आज तक जिम की शक्ल नहीं देखी हमने, जिम की तो मैंने भी शक्ल देखो 3 साल हो गए, आयो यही तो चैलेंज है इसका, तेरा मेरा यही तो चैलेंज है, जो वो फाइनली मैं जीत गया भाई, आप जीत गए, 3 दिन तक ठीक से सो नहीं पाएगा ये। देखो भाई ने अच्छा करा परफॉर्मेंस तो इनाम, मैं जीत गया वो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो बुकरा इंसान चैनल भाई, ये भाई लाइक करो भाई, चलो भाई लाइक कर देना भाई, ठीक है जो भाई को सपोर्ट दो और ये वीडियो मत देखो भाई की, ठीक है कह दी भैया मैंने। कसम से भाई मैं पिछले 6 महीने से जिम नहीं गया हूँ एंड मेरे बैक में भी प्रॉब्लम चल रही है, बट फिर भी मैंने कर लिया और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी शर्ट टाइट हो गई, बट हमें चलना है यहाँ से नेक्स्ट डेयर पे, और नेक्स्ट डेयर मेरे को दिया धीरू भाई ने और उनका डेयर, इन्होंने मेरे को डेयर दिया पे रैंडम पीपल टू स्लैप यू, लाइक मतलब मेरे को लोगों को पैसे देने पड़ेंगे मुझे ही चांटा मारने के लिए, दिस इज क्रेजी बट करना तो है, लेट्स गो। ओके तो ये वाला होने वाला क्रेजी डेयर, लाइक लिटरली जैसे आपको पता है कि जो मेरे को थप्पड़ मारेगा मैं उसको 100 रुपए देने वाला हूँ, मैं मतलब रैंडम लोगों के पास जाऊंगा और कहूंगा मेरे को थप्पड़ मारो आओ देखते क्या होता है, भैया थोड़ा ज्यादा तेज मारना मार दे कोई जो भी है, भैया ऐसा है अगर आप मेरे को थप्पड़ मारोगे तो मैं आपको 100 रुपए इनाम दूंगा, नॉट इंटरेस्टेड यार, थप्पड़ मार ले 100 रुपए देगा, प्यार से भैया प्यार से, प्यार से अच्छा प्यार कर दिया भैया ने, प्यार के पैसे नहीं है, प्यार से चाटा मारोगे तो 100 रुपए, प्यार से थप्पड़ मारोगे तो 100 रुपए इनाम आपको। हाँ बिल्कुल यस फाइनली एक लो भैया, थैंक यू, वहाँ पर सामने गार्ड पे देख रहे हैं कह रहे मैं भी मार लेता भैया प्यार से थप्पड़ मारने के 100 रुपये नाम है मेरे को, हम आपको नहीं मारेंगे सिर्फ आपको मारते भैया, कह रहे गले मिलने के फ्री बट गले मिलने का डेयर नहीं मिला आज, आज डेयर थोड़ा, आज डेयर थोड़ा टेढ़ा है हमारा, कोई नहीं एक थप्पड़ प्यार को मारने का 100 रुपए नाम मारना नहीं, किसी से थप्पड़ मरवाना भी बड़ा मुश्किल है, सारे भाग रहे हैं, दीदी ने मेरा गाल आगे जाता हुआ, हाँ
ये तेज था शुक्र है ये आपका प्राइस दिवाली ऑफर यार ठीक है दो चार्टे पढ़वा लिए बस यहाँ से चलते अपने नेक्स्ट डेयर पे ओके तो नेक्स्ट डेयर हमें को दिया है हमारे बहुत ही प्रिय मित्र जासूस किंग ने जिसने हमें बोला है गो एंड ईट सबसे फेमस फायर पान लिटरली मैं आ गया हूँ सीपी में और यहाँ हम खाने वाले जलता हुआ पान भाई मेरे को बड़ा डर लगता है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मेरा जीप ना जल जाए खाते हुए बट बोला है तो करना पड़ेगा तो हम आ गए यहाँ पर और आप खाते हैं चलो भाई फायर पान पहले खा रहे थे भैया मुंह तो नहीं जलता खलास हो जाएगा पहले ही भैया ने बोल दिया खलास हो जाएगा मेरे को वैसे ही डर लग रहा है थोड़ा कम आग लगाना सर कम लगाएंगे तो क्या मजा आएगा कम आग लगाना मेरे को बड़ा डर लगता कम ज्यादा क्यों सर पूरा लगभग भाई कसम से मेरे को ऐसा लगा मेरा मुंह जलने वाला है ऐसे पूरा जलने का टेस्ट मेरे मुंह के अंदर ही आ गया था पर है बहुत स्वाद लाइक लिटरली मैं पहले खा रहा हूँ फिर बात करूँ भाई कसम से जब उसको खाया तो लिटरली ऐसा लगा मेरे मुंह में आग लग गई और वो इतना अजीब टेस्ट था ना फर्स्ट में बट उसके बाद फिर जब पान का टेस्ट आता तो ऐसा लगता ठीक ठाक है बट दिस वॉज द क्रेजियस्ट एक्सपीरियंस मैं नहीं लेना चाहूंगा अगर आप कभी ढंग से नोटिस करोगे ना तो मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैंने कहा था भाई जो मुंह में जा रहा जाए आग लगती है लगे भाई अब डेयर मिला तो कर लेना चाहिए ओके तो आप लोग सोच रहे हो मैं अपने गेमिंग सेटअप में क्यों आ गया हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो मुझे डेयर मिला ना वो गेमिंग डेयर ही मिला है वर्ल्ड ऑफ टैंक एशिया करके गेम है जो मैं भी बहुत खेलता हूँ और खतरनाक ईशान भाई भी बहुत ज्यादा खेलते हैं तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे टायर्ड वन के जो टैंक होता है ना उसको यूज करके एनिमी बेस में जाना है तो आई एम गोना ट्राई दिस आई होप मैं कर लूं नहीं कर पाया तो आप लोग जरूर ट्राई करना अगर आप लोगों ने ये गेम नहीं खेली तो आप खेल लेनी चाहिए क्योंकि ये गेम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है इसमें 40 प्लेसेस है जहां पर हम टैंक्स में फाइट कर सकते हैं एंड इसमें हम अपने टैंक्स कस्टमाइज कर सकते हैं एंड टैंक्स जो है वो लिटरली ऑल ओवर द वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैंक्स है तो भाई यू गाइस शुड ट्राई दिस गेम आउट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपने नहीं खेली तो जल्दी जल्दी जाओ इसको डाउनलोड करो खेलो आप लोग भी ये जो मैं मिशन कर रहा हूं वो कंप्लीट करो और इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरी डाल के मुझे टैग करो मैं भी देखना चाहता हूं कौन ये कर पाता है कौन नहीं लेट्स गो वी विल ट्राई अबे यार ठुक गया लेट्स गो ये मैं अपने ही बंदे मारने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर ये मैंने गेट उड़ा दिया है और आगे बढ़ते हुए ओके तो मैं कैंप के बहुत ज्यादा पास आ चुका हूं ओ शिट मेरे को पढ़ रहे हैं नहीं 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 यार शिट व्हीकल डिस्ट्रॉय कर दिया मेरा ओके तो मैं ये डेयर हार गया और उन्होंने मुझे कहा था अगर मैं डेयर हारता हूं तो मुझे करना पड़ेगा कच्चा बादाम वायरल स्टेप इन फ्रंट ऑफ माय मॉडी तो आओ कच्चा बादाम करके आते हैं लेट्स गो मम्मी आओ आपको एक वायरल रील दिखाता हूं कच्चा बादाम सुना कितनी बार तुम्हारे से ही सुना मैंने और ये देखो कच्चा बादाम अब हंसना मत ठीक है मेरे को तो शर्म आ रही है मेरे को ऐसा डेयर दे दिया एक गेम में क्या हार गया अब तू मुझे कह रहा यू करके आ मैं तू ता तू ता 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 कच्चा कच्चा अच्छा 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 अब ऐसे देखो गाइस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास पीछे कुछ नहीं है जिसको तुम देख सको आ मैं तू ता तू 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 पता यू करके टो 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 फिर ऐसे ऐसे टा 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 ओके तो नेक्स्ट डेयर ना बहुत ज्यादा सीरियस डेयर है मैं ऐसा स्माइली स्माइली साउंड कर रहा हूँ बट बहुत ज्यादा सीरियस डेयर है मुझे उज्जवल भाई यानी टेक्नो गेमर्स ने डेयर दिया है प्रैंक विद निश्चय भाई यू आर अरेस्टेड बाय पुलिस फॉर एनी सीरियस रीजन लाइक फाइट विद समवन ड्राइव एंड हिट यू कैन ऐड फेक पुलिस देखो भाई फेक पुलिस अगर आप लोगों को चाहिए इस वीडियो पे कर दो आप 500,000 लाइक्स लिटरली 500,000 लाइक्स कर दो आई एम गोना क्रिएट अ फेक सिनेरियो एकदम मतलब ना सॉर्टेड सा पुलिस को बुला के मतलब मस्त वो घर पे बुला के एक अलग सा केस बना के फेक प्रैंक करूंगा पूरी फैमिली पे बट इस वीडियो में ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें कर चुका हूं ऑलरेडी जो हो चुकी और जो होने वाली है तो गाइस 500,000 लाइक्स दे दो बट प्रैंक हम निश्चय पे करेंगे फेक पुलिस के साथ नहीं बट उसको ऐसे बोलेंगे अभी कॉल करके कि जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड पुलिस आ गई केस हो गया वैसे बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं हेलो हेलो मनु कहाँ है अरे मेरे भाई एक दिक्कत हो गई यार मम्मी पापा तो नहीं आसपास नहीं भाई मम्मी पापा को मत बताइयो मैं गाड़ी लेके गया था ना आज वो भाई ठुक गई भाई मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मैंने मार दिया रिक्शे वाले में और रिक्शे वाले ने बुला दिया पुलिस और अब ये मेरे को कह रहा है यहाँ तो 25,000 रुपए दो 25,000 रुपए कहाँ से दूँ क्या करूँ तू क्या सजेस्ट करता भाई नहीं नहीं भाई देख हम तो तेरे को जानते ही नहीं है अब तू निपट भाई इससे जेल वेल जा हम कुछ नहीं कर सकते सॉरी भाई हमारा रिश्ता खत्म है अबे तू पागल पागल है क्या क्या बोल रहा है भाई ये मेरा दुश्मन है आप हो कौन मैं तो नाम पहली बार सुन रहा हूँ आपका आवाज हेलो कौन है भाई यहाँ मेरे को पुलिस मेरे सर पे खड़ी है वो मेरे को कह रहा है अरे भैया धक्का क्यों दे रहे हो यार तुझे तो एक्सपीरियंस है
पुलिस का, मुझे तो एक्सपीरियंस है जेल वेल जाने का, तेरे को क्या फर्क पड़ता है। अबे भाई ये तो धोती खोल रहा है, ओए पागल है क्या तू, क्या कैसी कैसी बातें बोल रहा है भाई, मजाक करो तू, क्या क्या बोल रहा है, पागल है। रिक्शे वाले की आवाज तक नहीं आ रही तेरे पीछे से है, बड़ा साइलेंट रिक्शे वाला है। अबे यार लिटरली भाई तू पागल है, सच में धोती खोल रहा है सबके सामने, पता नहीं कैसी कैसी बातें बता रहा है। हेलो भाई गाड़ी ठुकवुक गई, तभी समझ गया था मैं कि तुझसे नहीं होगा, तू एक काम कर, तू ताला लगा दे इसको और तू छोड़ दे ये सब, तुझसे ये नहीं होगा, तू एक काम कर, तू भाई अपनी नौकरी पकड़ वापस जहाँ पे था तू, और वो कर। अबे अबे सस्ते अश्लील ग्रोवर सस्ते, बस 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 ठीक है ठीक है, ओके भाई मैं करता हूँ, कर रहा हूँ दोगले तेरे को कॉल कर रहा हूँ। तू तो हर दूसरे दिन गाड़ी ठोक के आ जाता है, तेरे को तूने मेरे को फोन करके कब से बताने लग गया गाड़ी है, और ये रिक्शे वाले वाला एंगल कहाँ से आ गया, रिक्शे वाला तेरे को साइलेंट में धक्के दे रहा है, भैया धक्का मत दो, पीछे से आवाज तक तो आ नहीं रही है, बाकी सब कुछ जाए तेल ले रहे, मेरे को तेरा प्रोपोजिशन बिल्कुल पसंद नहीं आया, तेरा प्रैंक एकदम नल्ला, सो आई एम आउट। भाई मजाक से हटके भाई, ये तो कैसे सब भाई है भाई, मैंने बहुत सही सही में अगर आप मेरी आवाज नोटिस करोगे, मैंने डर के बोला था कि भाई मेरी गाड़ी ठुक गई, भाई ये क्या सस्ता अश्लील ग्रोवर बना हुआ है, लिटरली मेरी धोती खुलने लगा था। भाई देखो एक स्टोरी टाइम है इसके पीछे, पुलिस का केस जो हमारे पे हुआ था वो मतलब तुम्हें बता सकते हैं, अगर 25,000 कमेंट्स आते हैं कि भाई हमें वो वाली स्टोरी टाइम जाननी है तो मैं बता सकता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस है मेरी लाइफ की, और ये उसको मजाक मजाक में लेके चला गया। यहां से चलते हैं नेक्स्ट डेयर पे, निश्चय के साथ कोई डेयर नहीं करना, मेरा प्रैंक फेल हो गया, आई हेट इट। ओके तो मैं तो क्या कर रहा हूँ गोलगप्पे एंजॉय, बट पारस ने जो डेयर दिया है उसके बाद मम्मी पापा एंजॉय नहीं करने वाले, क्योंकि उनको मैं करने वाला हूँ प्रैंक, गोलगप्पे में मैं स्प्राइट डालने वाला हूँ, इट्स गोना बी फन। सवारी मिल गई है घर जाने के लिए और मम्मी पापा को प्रैंक करने के लिए। पानी तो मैं मजाक के लिए डाल रहा हूँ, मम्मी पापा को गोलगप्पों में पानी नहीं स्प्राइट डाल के पिलाने या खिलाने, क्या बोलेंगे समझ नहीं आ रहा मुझे, एक में मैंने पानी डाल दिया है और एक में मैं स्प्राइट डाल रहा हूँ। ये ले चलते हैं, ये मैं दिखाने के लिए कि मैं भी खा रहा हूँ। पापा बोल गप्पे इसको। अरे मैंने वो खा लिया, दूध पी लिया। अब एक खालो, मैंने भी खाया। अबे मुंह में अटक जाएगा। सीधा उठ के खा लो। तो ये क्या है? गोलगप्पा? मम्मी? हाँ। क्या हो गया? कैसा लगा टेस्ट? ये है क्या? ये स्प्राइट वाला गोलगप्पा था। मैं क्या नहीं लगी थी कि वो खट्टा वाला टेस्ट उस स्प्राइट का ही आ रहा है। पापा का रिएक्शन बढ़िया था, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल। इतना गंदा टेस्ट था, ऐसे गले में ना जैसे मिर्ची लग रही है ना। बट यहाँ पर अलग सिचुएशन, पापा ने तो ऐसा खाया जैसे रोज ही खाते हैं। उनको तो गोलगप्पे बहुत ही पसंद है, तो स्प्राइट में जैसे स्प्राइट दे दो। वो कहते हैं पापा का ये कहना है गोलगप्पे खिलाओ चाहे कैसे खिला दो, पूरा मूड का ऐसी की तैसी हो। तो फिर कुछ और खा लो, और नहीं यार मैं तेरे पे विश्वास नहीं कर सकती, मैं कुछ भी मुंह में डाल दे ला के मेरे। कोका कोला वाला गोलगप्पा नहीं, तू ही खा, इनको खिला दे। सारा मूड खराब हो गया, कोई नहीं मैं भी टेस्ट करूंगा एक बार स्प्राइट वाला, जो बहुत ही वाहियात है। पाप लगेगा मेरे को ये गोलगप्पा खिलाने के लिए पारस भाई को, मम्मी पापा इनको जो खिलाया उसके लिए मेरे को लगेगा। कोई नहीं चलते आज अपने नेक्स्ट डेयर पे, लेट्स गो। कसम से मैं बहुत थक गया हूँ आज, इतने अमेजिंग डेयर दिए मुझे, बट अभी लास्ट डेयर पेंडिंग है। लाइक इस डेयर से पहले मैं भेलपुरी वाला बन चुका हूँ, गोलगप्पे वाला बन चुका हूँ, हरकते मैं कर चुका हूँ, रोडों पे जाके चाटे भी खाए मैंने। नेक्स्ट डेयर है हमारा एक हॉन्टेड डेयर, क्रेजी दीप ने मुझे डेयर दिया है कि गो टू अ हॉन्टेड प्लेस इन दिल्ली एट नाइट। ओके तो जब मैं हॉन्टेड प्लेस सर्च करता हूँ तो दिल्ली में दो तीन ही आती है, बट मेरी फेवरेट वही है अवकर सेन की बाउली। मैं शायद एक बार मैं पहले गया हूँ बट प्रेरणा दीदी के साथ, मैं ऐसे छू के वापस आ गया था, बट आज हम जाने वाले हैं, देखने वाले हैं अवकर सेन की बाउली में क्या होता है क्या नहीं। आर यू गाइस रेडी? ओके तो अब हम जा रहे हैं अगर से इनकी बाउली। मैं एक बार यहाँ पहले जा चुका हूँ तो मेरे को इतना डर नहीं लगता, बट सही में अब मैं लाइक अब काफी टाइम बाद जा रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ फिर से नोटिस कर रहा हूँ कि भाई देख अभी ये सुनसान रोड है एंड लिटरली यहाँ पर आने से पहले मंदिर है, एक लिटरली मंदिर चालू हो गया एंड रोड के स्टार्टिंग में ना सिर्फ भगवान की फोटोज लग रखी थी। अब आगे हम जाने वाले हैं, लेट्स सी क्या रहता है क्या नहीं। डरता मैं बहुत हूँ बट फिर भी ठीक है, एक मुझे कॉन्फिडेंस है कि ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर, और वैसे भी अभी 10 ही बज रहे हैं तो मेरे को ऐसी कोई डर नहीं। लेट्स गो। ओके एक और मंदिर है यहाँ पर,
मंदिर ही मंदिर है बाहुली, वैसे सच में हॉरर है नहीं है, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया राइट नाउ। ओके तो हम यहाँ पर आ गए अग्रसेन की बाहुली में। देखो मैं बाकी व्लॉगर्स की तरह नहीं हूँ कि मैं दरवाजे टाप जाऊँ और आप लोगों के लिए कंटेंट के लिए रूल्स ब्रेक करूँ, ऐसा नहीं है। देखो पर मैं मतलब देख रहा हूँ हॉरर वाली कोई फील नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर ना ऑलरेडी घर है। आप एक नोटिस करो यहाँ लोग रह रहे हैं, अगर हॉरर होता तो लोग क्यों रहते भाई, मेरे को बस ये बता दो। बाकी आओ अग्रसेन की बाउली, मैं हमें लास्ट टाइम जब आया था तो मैं ऐसे छूट के चला गया। अब इस बार हम देखने वाले हैं जेनुइन सीन क्या। लोग यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आ जाओ, डरे हैं, जिम करे हैं, बस थोड़ा पेट आ गया। भाई एक बात बताओ, जब पी के बैठ के रात को 6 बजे यहाँ पर बैठ के जग्गू बेबी कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखो मैं रियल बोलता हूँ, जो डरावना है वो डरावना है, जो नहीं है वो नहीं है। तुम एक बार ये देखो, पीपल का पेड़ और इतना बड़ा, मतलब बरगद के पेड़ पे वो कहते ना भूत आते हैं बट नहीं आते। ये वैसे जेनुइन ऐसी है बाउली अंदर से, वो तो हमने पीके में देख ही रखी है। यहाँ पर देखो ये इस वक्त फुली बंद है, ताला लगा है। भैया कोई है? कोई है भैया? ये यहाँ कहते हैं भूत ऐसा, भूत भूत आ गया। सुन, मैंने कभी देखा नहीं है। देखा तो मैंने भी नहीं। भूत देखा होता तो फिर तो आप नहीं देख पाते हम। नहीं, मोस्ट प्लेस इन दिल्ली तो ये दिखाता है अग्रसेन की बाउली। अगर मैं होता एक्स वाई जी व्लॉगर तो मैं यहाँ, बट मैं रूल्स नहीं तोड़ता और मुझे डर भी लगता है, इसलिए मेरा डेर होता कंप्लीट।